शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अद्य वर्गस्य विषय अपादान कारक। अभी हम दो तीन दिन से लगातार ग्रामर पढ़ा रहे हैं क्योंकि रीडर हम 5 लेसन से ऊपर पढ़ा चुके हैं, इसलिए ग्रामर पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, सबसे पहले या वर्ग खष्टम कक्षा है हम क्लास 6 के लिए। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, अपादान कारक किसको कहते हैं? अपादान कारक से जुदाई अर्थ को प्रकट करने वाला, से जुदाई, जुदाई मतलब होता है अलग होना, से जुदाई अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अपादान कारक कहलाता है। अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई किसी चीज से अलग हो जाएगा उसमें अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए पिता कार्यालयात आगच्छति, पिता मतलब फादर, कार्यालयात मतलब कार्यालय से आते हैं, कार्यालय से क्या हो गए पिताजी, अलग हो गए, तो इसमें कौन विभक्ति लग गई, पंचमी विभक्ति। छात्रगण आप एक बात ध्यान दे दीजिए, रख लीजिए, बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप, अहम शब्द रूप और युष्मद शब्द रूप, सहतौते सातेता, इसको याद निश्चित कर लीजिएगा तभी आप समझिएगा संस्कृत व्याकरण में। पिता कार्यालयात आगच्छति, पिता कार्यालय से आते हैं, पंचमी विभक्ति का एक वचन प्रयोग हुआ है। बालः विद्यालयात आगच्छति, बालक विद्यालय से आता है, बालः विद्यालयात आगच्छति, बालः मतलब बच्चा, विद्यालयात मतलब विद्यालय से अलग होता है। जना गृहेभ्य बहिः आगच्छन्ति, जना मतलब बहुत सारे लोग, गृहेभ्य मतलब घरों से बाहर आते हैं, किससे बाहर आते हैं, घरों से मतलब दो तीन को घर से बाहर आते हैं, इसलिए द्विवचन में है गृहेभ्य, जना गृहेभ्य बहिः आगच्छन्ति। वस्तुनि हस्ताभ्याम पठन्ति, वस्तुनि वस्तु हाथों से मतलब दोनों हाथों से गिरता है, वस्तुनि हस्ताभ्याम पतन्ति, वस्तुनि हस्ताभ्याम पतन्ति, शाखाभ्य पत्राणि पतन्ति, शाखाओं से मतलब पेड़ के शाखाओं से पत्ता गिरते हैं, पत्राणि पतन्ति, लताया पुष्पाणि पतन्ति, लताओं से, लता मतलब क्या होता है, डाली, जैसे कि कटहर झुमनी सबका सो डाली रहता है, उस डाली से फूल जो गिरते हैं, तो लताया पुष्पाणि पतन्ति, अलग हो रहा है सब। कूपात जलम निस्सरति, कूप से, कुएं से जल निकलता है, तो कुआं से जल क्या हो गया, निकल गया। महिलाभ्य घटा पतन्ति, महिलाभ्य मतलब महिलाओं के से घटा गिरती है, घटा मतलब पानी भरने वाला जो होता है उसको हम घट बोलते हैं, बहुवचन में है घटा, इसलिए बहुवचन में घटा है क्योंकि बहुत सारे महिलाओं के हाथ से गिर रही है। उपरी यानी रंजित पदानी संति तानी अपादान कारके संति, जितना जितना रंजित पदानी है वह सभी रंजित पदानी अपादान कारक का द्योतक है। एवं पंचमी विभक्ति होती है, त्रिविधेषु लिंगेषु वचनेषु भवति, वह तीनों वचन लिंग में होता है। पंचमी विभक्ति अर्थ भवति से अलग, पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है से अलग, पंचमी विभक्ति अलग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। बालः अश्वात् पतति, बालक घोड़ा से गिरता है। पुष्पाणि वृक्षात् पतन्ति, पुष्प वृक्ष से गिरते हैं। अब इसका हम अभ्यास में चलते हैं। वायुयानम पतति क्या हो जाएगा, आकाशात, क्या हो जाएगा, आकाशात, यहाँ पर लिखा हुआ है। पत्राणि पतन्ति क्या हो जाएगा, शाखाभ्य, यहाँ पर टिक लगा दिए हैं, शाखाभ्य।
पितामह आगच्छति नगरात्, नगर से पितामह आते हैं। पितामह आगच्छति ग्रामात, गांव से दादाजी आते हैं। आप अपने कॉपी पर लिखिए, पितामह मतलब दादा, पितामही मतलब दादी, मातामही मतलब नानी, मातामह मतलब नाना, अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई। अब इस संवाद को पूर्ति करना है। अनुज, रमे तुम कुतः आगच्छसि? रम, अहम विद्यालयात आगच्छामि, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते। अनुज, तुम विद्यालयात कदा आगच्छ, तुम विद्यालय से कब आए? रम, अर्धावकाशे, अर्धावकाशे मतलब टिफिन के समय में आए। अनुज, ओह पिता अपि कार्यालयात अर्धावकाशे आगच्छत, अरे क्या कहें, मेरे पिताजी भी कार्यालय से अर्धावकाश में आ गए। रम, ओम हाँ, माता अपि आपनात आगच्छत, मेरे माता भी आपन बाजार से आई है। इस तरह यह जो शब्द है, इस शब्द को माला लता कथा, तो मालाया लताया सुधाया इसको बनाया है, अपने आप बुक में बनाइएगा अपने से खुद से। उसके बाद नगर पुष्पम है, इसमें पंचमी विभक्ति लगाना था, तो नगरात पुष्पात ग्रामात इस तरह लिखिएगा, और इसमें से चुन के सब में पंचमी विभक्ति। तो छात्र आगच्छन्ति, कहाँ से छात्र आ सकते हैं? तो विद्यालय से, कार्यालय से जनक पिताजी, उद्यान से मालाकार, क्षेत्रात से कृषक। अतएव आपका यह जो पंचमी विभक्ति था यह खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम षष्ठी विभक्ति के साथ आपके पास आएंगे। धन्यवाद।